नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। पेश है आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। सभी खबरें सिलेक्टेड, बस आपसे रिक्वेस्ट है कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं पहली बड़ी खबर, तरुण गोगोई ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा दो राष्ट्र के सिद्धांत को करते हैं फॉलो। दरअसल आपको बता दें कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें हिंदू जिन्ना करार दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना की तरह दो राष्ट्र के सिद्धांत का अनुसरण करने का आरोप लगाया है। वह देश को धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने रविवार रात को जेएनयू के छात्रों पर हुए हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा की दमन की नीति जो देश के लिए और अधिक दुर्भाग्य लाएगी को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ भारतीयों के विरोध से यह स्पष्ट है कि भारतीयों को वैसा हिंदुत्व नहीं चाहिए जैसा कि भाजपा और आरएसएस वाले लाना चाहते हैं। वहीं मुंबई फ्री कश्मीर पर सियासी बवाल, फडणवीस ने पूछा उद्धव जी क्या आपको ये बर्दाश्त है। जी हां, आपको बता दें कि जेएनयू हिंसा के खिलाफ मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रदर्शन के दौरान फ्री कश्मीर पोस्टर पर सियासी बवाल मचा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से सवाल किया कि क्या उन्हें फ्री कश्मीर भारत विरोधी अभियान बर्दाश्त है। फडणवीस ने फ्री कश्मीर के पोस्टर वाले वीडियो ट्वीट कर लिखा, यह किस बात का प्रदर्शन है, फ्री कश्मीर के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, हम मुंबई में इस तरह के अलगाववादी तत्वों को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। वहीं रिलायंस जियो ने वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग सर्विस की लॉन्च मुफ्त में कर सकते हैं बात। जी आपको बता दें कि उपभोक्ता जियो की वीओ सेवा का इस्तेमाल घर में लगे वाईफाई कनेक्शन और पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट के जरिए कर सकते हैं। इस सेवा से जियो यूजर्स की कॉलिंग का अनुभव बेहतर हो जाएगा। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि जियो वीओ वाईफाई के जरिए ज्यादा से ज्यादा ग्राहक अपने साथ जोड़ना चाहती है। आपको बता दें कि इससे कंपनी का भी प्रॉफिट बढ़ेगा। जी हां, आपको बता दें कि यूजर्स को कंपनी की इस सेवा के लिए अलग से ऐप लॉगिन या नंबर नहीं लेना होगा। साथ ही वह जियो वीओ वाईफाई कॉलिंग को घर में लगे वाईफाई कनेक्शन के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि जियो जल्द ही इस सर्विस को देश के अन्य राज्यों में भी पेश करेगी। वहीं 8 दिसंबर भारत बंद में 25 करोड़ लोगों के शामिल होने का दावा, ममता बनर्जी ने खुद को किया अलग। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। यूनियनों का दावा है कि इस हड़ताल में 25 करोड़ लोग शामिल होंगे। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों ने पिछले साल सितंबर में ही 8 जनवरी 2020 को हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने आप को इस हड़ताल से अलग कर लिया है। बनर्जी या उनसे जुड़े संगठन इसमें शामिल नहीं होंगे। उन्होंने सोमवार को कहा कि एनआरसी और नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन का मैं समर्थन करती हूँ, मैं भारत बंद का समर्थन नहीं करती। उन्होंने कहा कि बंद जैसी चीप पॉलिटिक्स को वह सपोर्ट नहीं करेंगी। वहीं चंडीगढ़ को 10 जनवरी को मिल जाएगा नया मेयर, बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर। दरअसल आपको बता दें कि चंडीगढ़ को 10 जनवरी को नया मेयर मिल जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के पार्षदों ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए अपने नामांकन भर दिए हैं। भाजपा ने राजबाला मलिक को मेयर पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि सीनियर डिप्टी मेयर के लिए रविकांत शर्मा व डिप्टी मेयर के लिए जगतार जग्गा के नाम पर मुहर लगाई है। वहीं कांग्रेस ने मेयर सहित तीनों पदों पर महिलाओं को मैदान में उतारा है। वहीं असम के सरकारी स्कूलों में 3 लाख से ज्यादा फर्जी विद्यार्थी, सीएम सर्बानंद बोले होगी कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि असम के सरकारी स्कूलों में 3 लाख ऐसे फर्जी विद्यार्थियों का पता चला है जिनका पंजीकरण तो हुआ लेकिन वह आज तक स्कूल नहीं गए। सोमवार को जारी हुए सरकारी दस्तावेजों में सामने आया कि राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान यह सब गोलमाल हुआ है। वहीं नहीं कर पाएंगे अब जीएसटी में धांधली, इन खास तैयारियों पर हो रही है बैठक। दरअसल आपको बता दें कि जीएसटी में हो रही गड़बड़ियों और धांधलियों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। राजस्व सचिव जीएसटी पर विभिन्न विभागों और अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर रहे हैं। सरकार इस खास बैठक में जीएसटी को आधार से जोड़ने और निगरानी रखने के लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विकल्पों पर फैसला ले सकती है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार उम्मीदवार कर सकेंगे ऑनलाइन नामांकन, मिलेगी ये सुविधा। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले सप्ताह से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के लिए अच्छी बात यह है कि पहली बार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए चुनावी रैली, जनसभा या किसी तरह के आयोजन की स्वीकृति लेने व नामांकन दाखिल करने की ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। वहीं गरीबी उन्मूलन की योजनाएं, मिटेगी विपन्नता, आएगी संपन्नता।
दरअसल आपको बता दें कि भारत की बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। आजादी के बाद से ही गरीबी हटाओ का नारा सुनाई देने लगा था और आज भी यह नारा हर चुनाव में अलग अलग रूपों में सामने आ ही जाता है। वोट बैंक की राजनीति करने वाले जानते हैं कि इस नारे का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। हालांकि इन सारी नकारात्मकता के बीच यह कहना होगा कि सरकारों ने कोशिशें तो की लेकिन यह उतनी कामयाब नहीं हुई। फिर भी उम्मीदों का जिंदा रहना जरूरी है। यह उम्मीदें इसलिए भी जिंदा हैं कि हाल ही के दिनों में सामने आई एक रिपोर्ट ने बताया कि भारत में गरीबी घट रही है। केंद्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन को कई योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना, आयुष्मान भारत योजना, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम और भी कई योजनाएं हैं। इससे अतिरिक्त सरकार की ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनमें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में काफी मदद की है। इन योजनाओं में सत्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली कई योजनाएं हैं जिनके कारण लोग गरीबी रेखा के बाहर आ पाते हैं। वहीं नागरिकता कानून को लेकर मिस्ड कॉल से समर्थन जुटा रही भाजपा। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून पर डोर टू डोर जाकर संपर्क के साथ भाजपा व मिस्ड कॉल सेवा से भी समर्थन जुटा रही है। इसके लिए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अब मिस्ड कॉल सेवा की मदद भी ली जाएगी। पार्टी द्वारा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस नंबर पर कोई भी देशवासी फोन कर अपना समर्थन दे सकता है। जिले से भी मिस्ड कॉल की मॉनिटरिंग कराई जा रही है। हर एक कॉल को रिकॉर्ड किया जाएगा। नागरिकता कानून पर लोगों का समर्थन ही विरोधियों के हौसलों को तोड़ेगा। वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में कैसा रहेगा जीडीपी का प्रदर्शन, आज जारी होंगे पूर्वानुमान के आंकड़े। दरअसल आपको बता दें कि चालू वित्त वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़ों का पहला पूर्वानुमान आज पेश किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही अपना पूर्वानुमान घटा चुका है। आरबीआई ने अब वित्त वर्ष के लिए 5% जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान जताया है। वहीं हरियाणा के बीजेपी विधायक ने कहा कि नागरिकता कानून का विरोध करने वालों को भारत में रहने का कोई हक नहीं। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई राज्यों में अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच हरियाणा में जींद से बीजेपी विधायक ने प्रदर्शनकारियों को लेकर बड़ा बयान दिया। बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्डा ने कहा कि जो लोग नागरिकता कानून का विरोध कर रहे हैं उन्हें अब भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति का पहली बार ट्रंप को जवाब, कहा 52 नंबर बताने वालों को 290 नंबर भी याद रखना चाहिए। जी आपको बता दें कि कुद्दस बल के मुखिया जनरल सुलेमानी की अमेरिकी स्ट्राइक में मौत के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच तकरार की शुरुआत हो गई थी। ये तकरार युद्ध की धमकियों तक पहुंच गई है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के बीच ट्विटर पर इस जंग की शुरुआत हो चुकी है। अपने जनरल की हत्या के बाद पहली बार ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया है। वहीं जेएनयू हिंसा रोकने में विफलता को लेकर केंद्र और दिल्ली पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर। दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भीड़ हिंसा को रोकने और इससे निपटने के लिए शीर्ष अदालत के निर्देश का कथित तौर पर पालन न करने को लेकर केंद्र और दिल्ली पुलिस के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं फ्री कश्मीर पोस्टर पर शिवसेना नेता संजय राउत ने गढ़ी अनोखी थ्योरी। दरअसल आपको बता दें कि गेटवे ऑफ इंडिया पर जेएनयू हिंसा के विरोध में हो रहे प्रदर्शन में फ्री कश्मीर पोस्टर दिखाए जाने के मामले में शिवसेना नेता संजय राउत ने अलग ही थ्योरी मीडिया के सामने रख दी है। संजय राउत ने फ्री कश्मीर का मतलब वहां इंटरनेट मोबाइल सेवा की बहाली को लेकर बताया है। इसके लिए शिवसेना नेता ने अखबारों का हवाला भी दिया। संजय राउत ने कहा कि फ्री कश्मीर कहने का मकसद यह नहीं है कि कश्मीर को भारत से अलग करो, जो इस तरह की बात करेगा उसे हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। फ्री कश्मीर के पोस्टर देखे गए उन लोगों का कहना यही था कि कश्मीर में काफी दिक्कतें हैं, इंटरनेट और कई जरूरी सहूलियतें बंद हैं, इन दिक्कतों से फ्री करो लोगों का यही कहना था। वहीं चेन्नई की विशेष अदालत ने पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम की याचिका को किया खारिज। दरअसल आपको बता दें कि चेन्नई की एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम और अपनी पत्नी द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए 7 करोड़ रुपए से अधिक की आय का कथित खुलासा न करने के लिए आयकर विभाग द्वारा शुरू किए गए अभियोजन से उन्हें मुक्ति करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
वही सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लें और बेटी की चिंता भूल जाएं। दरअसल आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना को लेकर सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस योजना के माध्यम से कोई भी भारतीय नागरिक 10 साल से छोटी बच्ची के लिए बैंक अकाउंट खोल सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावक को जन्म प्रमाण पत्र सहित कुछ अन्य कागज देने होंगे, लेकिन ध्यान रहे कि एक व्यक्ति के नाम पर एक ही सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोला जा सकता है। अगर किसी परिवार में जुड़वा बेटियों का जन्म होता है तो वहां पर 2 से अधिक सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोले जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष के दौरान अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किए जा सकते हैं। वहीं एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम जमा राशि 250 रुपए है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत अगर प्रत्येक 1.5 लाख रुपए 15 साल तक जमा किए जाते हैं तो 21 साल पूरे होने पर ब्याज सहित यह रकम 73 लाख रुपए हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना होगा कि इस योजना पर मिलने वाला ब्याज केंद्र सरकार हर तिमाही में तय करती है, ऐसे में ब्याज की दरों में परिवर्तन भी हो सकता है। वहीं मौसम अपडेट। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, कर्नाटक, केरल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगहों पर बारिश की चेतावनी दी है। इन इलाकों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गोवा, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं इन इलाकों में बिजली गिरने की संभावना भी है, ऐसे में यहां लोगों के लिए चेतावनी जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। कुछ जगहों पर अधिक बारिश से हालात खराब भी हो सकते हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल रहेंगे, हालांकि बारिश होने की संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।